जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बुधवार को पादरी बाजार स्थित शिवपुर शहबाजगंज में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरी टीम द्वारा मोहल्ले में चौपाल लगाई जा रही है, जिससे सारे अधिकारी द्वारा विभाग की योजनाओं को आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चौपाल में जो भी शिकायत या आपत्ति आती है उसको सूचीबद्ध करके निस्तारण किया जाता है। बुधवार को शिवपुर शहबाजगंज वार्ड में पार्षदों द्वारा समस्याओं का संज्ञान लिया गया, जिससे जल निकासी, विद्युत एवं अन्य प्रकार की समस्या सामने आई, जिसको देखते हुए लोगों को आश्वस्त किया गया कि अगले 15 दिनों में समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ये सारी समस्या जितनी भी महिला समूह की है, किसी बैंक से संबंधित या थाने से संबंधित, मिट्टी खनन परमिशन के संबंधित एक सूची बना लीजिए और हमें दे दीजिए, मेरे ऑफिस से ट्रैकिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे ब्लॉक स्तर पे जो समूह चलते हैं गांव में, उनको 1 लाख रुपए का मिलता है छोड़ दिया, उसे आप देख लीजिए। जिंदु जी ने सर बात बल्ली के काम में हर जगह से शिकायत जा रही है सर, पावर टेक कंपनी का जो है तो अभी फिर दोबारा काम करना चालू कर दिया, लेकिन सर सिर्फ एक ही लोग लिए हैं पूरे साल का, अभी एक एक डिविजन का उनको निपटा रहे हैं, हमारे आएंगे यहाँ का कब तक करेगा बताएं, यहाँ का सर 1 महीने का टाइम लिए बैठक करा, ठीक है, शनिवार को सेकंड हाफ में उसको बुला के लेके आओ और आप लेके आए। 11,000 वाला तार कुछ गया है जिसमें लाइट है ही नहीं, उसको रिपेयरिंग वाले प्रभावित है, 35,000 वाला तार गया है, अरे वो इतना आसान नहीं है, लाइट चिप कराना इतना आसान है, बहुत महंगा, करोड़ों रुपए का गया है, ये बताओ बिलिंग और कलेक्शन क्या पूछो, सबके सामने पूछो, बिलिंग में कोई दिक्कत है, बिल समय से मिल जाता है, मीटर काम कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर कितने लगे, सुनो स्मार्ट मीटर कितने लगे, 14,000 लगते जा रहे हैं, तो बंद कर रहा है, चेक करके दो ना, बिल मिल रहा है कि नहीं, बिल मिल रहा है, कितना आमदनी होता है, कितना कमाई है, समस्या तो बताइए भैया, आपूर्ति होनी है, ये भी जरूरी है कि सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, हम सब मिलकर इसको व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं। देखिए जर्जर तार है, बिजली के खम्भे हैं, ट्रांसफॉर्मर में सुनते हो, आबादी बढ़ती जा रही है, मकान बढ़ते जा रहे हैं, तो और बेहतर व्यवस्था होनी है, तो उसके लिए उपभोक्ताओं से आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने बिल को समय से पूर्ति करें, भुगतान करें और उसमें किसी तरह की अनियमितता या व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो। हाँ, जैसे निरंतर हम मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम द्वारा लगातार माननीय शासन के निर्देशों के क्रम में ग्राम चौपाल और नगरीय क्षेत्रों में मोहल्लों में चौपालें लगाई जा रही हैं, जब सारे अधिकारी संबंधित विभाग अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं विभागीय योजनाओं के बारे में, चाहे वो अवस्थापना संबंधित हो, जनकल्याणकारी योजनाओं का, उसके बारे में प्रस्तुत करते हैं, जो भी आपत्तियाँ या शिकायत मांग आती है उसको सूचीबद्ध करके निस्तारण किया जाता है। आज 2 वार्ड्स के चौपाल लगाई गई थी और उसमें दोनों में माननीय पार्षदों के उपस्थिति में समस्याओं की संज्ञान लिया गया है, वहाँ सफाई और जल निकासी की समस्याएं आई हैं, विद्युत की समस्या आई हैं, जिसके लिए निर्देशित किया गया और उसका अनुश्रवण किया जाएगा कि अगले 15 दिन में उन समस्याओं को दूर किया जाएगा।